हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और ये जो फ़ोटो देख रहे हैं नैनीताल की है, और ये सीन देखिए कितना अच्छा है। शाम के समय बड़ा ही अद्भुत सीन हो जाता है। आज इस समय चारों तरफ जहाँ देखेंगे वहाँ आपको हरियाली हरियाली नज़र आएगी। और देखिए कैसे बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसा सीन होता है तो हम आपको अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाते हैं। और देखिए शाम के समय कुछ इस तरह का सीन है। राज के पापा चाय पी रहे थे यहाँ पर बैठ करके, और कुछ ऐसा दृश्य हुआ था। अब बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य हो जाता है। इधर खेत की तरफ देखिए कितनी हरियाली है, हरे हरे धान हैं, पेड़ हैं, और दिन डूबने वाला है। बहुत ही अच्छा मौसम हुआ था इसलिए हमने इसको रिकॉर्ड किया था। और किस तरह से इसकी खूबसूरती देखने लायक है, ऐसा लगता है कि हम कहीं मतलब दूसरे जगह पहुंच गए हों। और बाबूजी नैनीताल से वापस आ चुके हैं, आप फ़ोटो देख करके ही जान गए होंगे। और यहाँ पर कोयल बोल रही थी, वो भी आवाज़ आपको ज़रूर सुनाई पड़ेगी। और आज कल ही आ गए थे, आज सुबह में पूजा पाठ करने के बाद भी वो राम नाम का लिखते हैं तो कापी पर, तो वही नैना देवी गई लोलोबाजी वहाँ नैनीताल में। बातचीत सुनिए नैनीताल के बारे में। नैना देवी ना गई लोलोगन तो कहाँ कहाँ घूम लो, कौने जगह? कैची धाम। अच्छा तो वहाँ तो मंदिर वंदिर होबे करी ना। अच्छा यानी बस एक के जगह घूम के चलिए लोलोगन। वहाँ नैना देवी बहुत प्रसिद्ध है वहाँ के नैनीताल के। कितना समय लगल रह? हाँ कोनो बहुत टाइम नहीं लगल रहा। और वहाँ ना ही सब खाना वाना देते रहना का, जैसे भंडारा वंडारा चलल है, होटल वोटल हो ही खाए के? हाँ तो देखिए बाबूजी वहाँ बता रहे थे कि कैसे कैसे वहाँ व्यवस्था थी, वहाँ भंडारे की कोई व्यवस्था नहीं थी। और बाबूजी तो बाहर का कुछ भी खाते भी नहीं हैं। वहाँ कैची धाम मतलब मंदिर है जो भी है, हम तो गए नहीं हैं, तो उसी को बता रहे थे। वो लोग वहीं गए थे, नैना देवी का दर्शन उन्होंने नहीं किया, वहीं पर घूमने के लिए स्पेशली गए थे, घूम करके आ गए हैं। और ये देखिए आज सुबह की सीन है, ये सुबह सुबह का किस तरह से हरियाली, पीछे का सीन है धानों धान की मतलब खेती चारों तरफ। हेलो दोस्तों, देखिए पूरा नैनीताल का सैर करके आई है लिट्टी, पूरा घूम घाम करके बाबूजी के साथ गई थी नैनीताल, और वहाँ से घूम करके इतना आ गई है वापस। और बहुत ही टेस्टी है, अभी भी ख़राब नहीं हुई है, देख लीजिए आप लोग भी। और ये देखिए कितने हरे हरे ताज़े ताज़े नींबू, इसी की सब्ज़ी बनी थी सुबह में ही, देखे कितने मतलब बहुत ही खूबसूरत लगता है। और हरियाली इसका शहरों में देखिए तो सूख जाता है ले जाते वक्त, क्योंकि गांव से ही अधिकतर सब्ज़ी जाती है शहर में, यहाँ भी ताज़ा ताज़ा मिलता है तो एकदम हरा हरा रहता है। और सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।